सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज को, बेल आइकॉन को दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर लगाए महाभियोग को लेकर दिल्ली के विधायक कपिल मिश्रा का बड़ा बयान, स्पीड न्यूज। कपिल मिश्रा बोले, चुनाव हारना पक्का हो तो ईवीएम को बदनाम करो, केस हारना पक्का हो तो चीफ जस्टिस को। जैसा कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पारित किया है। कांग्रेस चाहती है कि चीफ जस्टिस तुरंत अपना पद छोड़ दें, ताकि कांग्रेस का कोई मनपसंद व्यक्ति उस पद पर बैठे। बता दें कि राम मंदिर केस की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ही कर रहे हैं। कुछ दिनों में इस केस का फैसला आने वाला है। चीफ जस्टिस को हटाने की कांग्रेस की राजनीति अब लोगों को समझ आ रही है। दिल्ली के विधायक कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है, चुनाव हारना पक्का हो तो ईवीएम को बदनाम करो, केस हारना पक्का हो तो चीफ जस्टिस को बदनाम करो। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव हारने पर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। कई बार चुनाव हारने की आहट सुनकर पहले से ही ईवीएम पर हमले शुरू हो जाते हैं। अब राम मंदिर केस में भी कांग्रेस को हार मिलने वाली है। आपने देखा होगा कि कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने राम मंदिर केस का फैसला 2019 चुनाव के बाद देने की मांग की थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनकी मांग को ठुकरा दिया था। उसके बाद से ही कांग्रेस चीफ जस्टिस के पीछे पड़ गई है। अब उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्पीड न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।